ठीक है सर, दिखा दूंगी करेंगे ना अभी हम नहीं, कोई नहीं जो है अभी बोलेंगे ना ब्रीफ, अलग अलग से करेंगे उसमें। On June 3, a joint coordinate search operation was launched on the basis of reliable input. The joint operation was launched by 48 RR of the Indian Army and Jammu and Kashmir Police. The area of the coordinate search was the general area Azmatabad. During the coordinate search operation, a dump of arms and ammunition was discovered. इस डंप में जो हमने असला बरामद किया है उसमें 4 पिस्टल, 8 मैगजीन, 105 राउंड पिस्टल के, एक AK-47, 2 मैगजीन और 54 राउंड्स बरामद किए हैं। एज़ पर आर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमें ये लगता है कि ये असला रिसेंटली ड्रॉप किया हुआ था इस एरिया में एंड इट वाज मेंट फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस टू कश्मीर वैली फॉर यूज़ इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़। इस सिलसिले में FIR पुलिस स्टेशन थाना मंडी में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शंस 18-20 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, 121 एंड 120B IPC एंड 727 ऑफ द आर्म्स एक्ट। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। मैम, जिस तरह से आपने ड्रॉप का जिक्र किया, क्या ये ड्रोन ड्रॉपिंग मान के चल सकते हैं? एट द मोमेंट दैट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हमने साथ में कुछ पैकेजिंग मटीरियल भी रिकवर किया है। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन, आगे चल के क्लियर हो जाएगा।